नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। तो दोस्तों, फिनिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम लगे हुए हैं, आपका पेट का है, एसएससी जीडी है, यूपीएसआई है, और भी आने वाले एग्जाम, जैसे अगर बात करें जो एक पेपर निरस्त हुआ है आपका वीडियो का, वो भी आपका एग्जाम आगे लगा हुआ है, तो इन सब में हिंदी की एक अहम भूमिका है। हिंदी में जो पूरे में पूरे नंबर लाएगा वही परीक्षा को पास करेगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो हिंदी में एक भी नंबर छोड़ने का मतलब है कि आप मेरिट से नीचे आना, क्योंकि दूसरा बंदा हिंदी में पूरे के पूरे नंबर ला रहा है। तो बात आपको समझ में आ गई है, तो हिंदी है बड़ी इंपॉर्टेंट और हिंदी में हर चीज हमको आना चाहिए। और हिंदी का जो आप सिलेबस देखते हो ना, ये मात्र एक महीने का सिलेबस होता है। अगर एक महीने आप अच्छे से कंटिन्यू हिंदी के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो यकीनन आप हिंदी में पूरे नंबर लाते हैं, अच्छा स्कोर पाते हैं। तो भैया, क्लास हो चुकी है शुरू, वीडियो को कर दीजिए शेयर, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है और आप उपस्थित हो चुके हैं हमारी क्लास में, तो जल्दी से लाइक करो भाई। सबसे पहले आपको करना है लाइक, फिर उसके बाद एक बेहतरीन कक्षा आपका इंतजार कर रही है, जहां पर आज हम व्यंजनों के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे भाई? व्यंजन के बारे में सीखेंगे। तो फटाफट आप सभी को क्या करना है बच्चे? आप सभी को करना है वीडियो को लाइक और शेयर, दो चीजें आपको करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, यहां पर हमसे जुड़ चुके हैं नेहा, रंजीत, विजय, सुजीत, सूरज, तूफान, आईसी यादव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमलेश यादव, कैफ अली, बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। तो हाँ, जल्दी से लाइक का बटन पहले दबाते जाओ, लाइक का बटन दबाते जाओ। आज ना हिंदी की एक बेहतरीन क्लास होने वाली है, जहां पर आप पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला की ये तीसरी क्लास है, जहां पर सबसे पहली क्लास में हमने स्वरों को सीखा था कि स्वर कितने होते हैं। उसके बाद स्वरों के आधार, मतलब अलग अलग आधारों पर स्वरों की जो विवेचना हुई थी, कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कालमान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने विधिवत एक एक करके सब कुछ बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले वो वीडियो भी देखें, और इस पर आ चुके हैं तो ये तो देखना ही है, ठीक है। चलो, तो और हम लोग हेडिंग लगा लेंगे सुंदर सी हिंदी, ठीक है, हिंदी। चलो, तो मैंने बताया था चाहे हिंदी आप ऐसे लिखो और चाहे तो हिंदी आप बिंदी वाली लिखो, हिंदी, दोनों ही हिंदी क्या है, सही है, ठीक है। तो बच्चे शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला हम पढ़ रहे थे। वर्णमाला में सबसे पहले हमने क्या सीखा था? स्वर के बारे में सीखा था, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं बच्चे, स्वर के बारे में हमने सीख लिया था पूरा का पूरा। हाँ भैया, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, सुप्रभात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आओ, एक बार जल्दी से बता दो क्या रेडी किया जाए। सब लोग अच्छे से जुड़ चुके हैं, कहीं पर एक ऐसी जगह पर बैठ चुके हैं जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि एक घंटे तक आपको फोकस करना है अच्छे से। अच्छे से क्या करना है बच्चे? अच्छे से फोकस करना है, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल फोकस करना है भाई। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्वर पढ़ लिए थे, हमने स्वरों के बारे में जाना था, स्वर के बारे में जाना था कि स्वर कितने थे। तो सभी बच्चों का आंसर क्या था? 11 स्वर थे सर। कितने स्वर थे? 11 स्वर थे। व्यंजन कितने थे सर? तो हमने व्यंजन भी देखे थे कि व्यंजन कितने थे। तो व्यंजन इसके बाद 52 में 11 जैसे ही आप हटाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि व्यंजन कितने थे, 41। आप देखो, 4 1 कितना हुआ? 5। 1 1 कितना हुआ? 2। तो व्यंजनों की संख्या आपको पता चल गई कि व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन 41 हैं, लेकिन ये व्यंजन 41 कौन से हैं बच्चे? कुल व्यंजनों की बात करें, कुल व्यंजन। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो ये व्यंजन ये इस तरीके से भी लिखा जाता है, एक व्यंजन हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इया भी लगाते हैं,
यहां पे अंग की बिंदी नहीं होती है, ये भी व्यंजन आपका सही है और ये भी व्यंजन आपका सही है। तो हम हमारी आदत है ये व्यंजन लिखने की, तो इस व्यंजन को हम लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी व्यंजन सही है, लिखने का तरीका ये भी सही है, लिखने का तरीका ये भी सही है, ठीक है। तो किसी चीज में डाउट नहीं होना चाहिए। चलो तो अब शुरू करते हैं क्लास को। तो हमने यहां पर बताया था कि जो स्वर होते हैं बच्चे, जो स्वर हैं वो 11 हैं, व्यंजन है 41, और अगर कुल वर्ण की बात करें तो कुल वर्ण कितने हो गए थे, तो कुल वर्ण हो गए थे 52, ठीक है। और यहां पर जो 41 थे, ये 41 कुल व्यंजन हैं, क्योंकि जैसे ही 52 में मैंने 11 स्वरों को हटाया तो 41 क्या बचेंगे, व्यंजन बचेंगे, ठीक है। क्या बचेंगे बच्चे, 41 व्यंजन बचेंगे। अब 41 व्यंजन में, लेकिन व्यंजनों की संख्या परंपरागत रूप से क्या मानी जाती है, जो परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही है, तो हम कहते हैं सर जो व्यंजन होते हैं ना, सर जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। 33 कैसे हो रहे हैं बच्चे, 33 ऐसे हो रहे हैं कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श। ये आपको संख्या इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये संख्याएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप संख्याएं एक बार याद कर लो, उसके बाद आपको हम बता देंगे कैसे 25 हैं, कैसे आप 25 चार जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जैसे 25 हो गए, 25 में चार जोड़ेंगे, ये अंतस्थ व्यंजन है, 25 में फिर चार जोड़ा तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, यानी ऊष्म व्यंजन है। तो आपने देखा 25 चार 29, 29 चार कितना हो गया 33, 29 चार कितना हो गया 33। यहां पर 25 क्या है, तो 25 स्पर्श व्यंजन है। क्या है बच्चे, स्पर्श व्यंजन है। आप एक मोटा मोटा सा अंदाजा ले लो, स्पर्श व्यंजन है। चार क्या है बच्चे, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। और ये चार क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। ये क्या है बच्चे, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो यहां से आपने एक मोटा मोटा ले लिया है कि अंदाजा। और सर ये 33 तो हैं, 33 के बाद 41 कैसे हो रहे हैं, तो बच्चे जो 41 व्यंजन हो रहे हैं, अब सीधा चलते हैं व्यंजन ही डालते हैं हेडिंग, वहां पर पूरे 41 व्यंजन के बारे में देखते हैं, क्योंकि 11 हमने क्या कर लिए थे, सर समझ लिए थे, ठीक है, क्लियर। हाँ भाई, वीडियो को शेयर करो और लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए अगर अच्छे से कुछ भी कंप्लीट करना है। देखो अच्छे से पढ़ने का मतलब है हमारे अंदर जो भी डाउट है ना बच्चे, वो नहीं होने चाहिए। व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन की संख्या होती है 33। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। और जैसे ही हमने अगर कुल व्यंजन लिख दिए, क्या लिख दिए बच्चे, कुल व्यंजन लिख दिए, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 41, ठीक है। अब इसमें 33 में कौन कौन है, तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, आपसे कभी अगर क्वेश्चन पूछते हैं व्यंजनों के प्रकार के बारे में, क्या पूछते हैं, व्यंजनों के प्रकार के बारे में, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है लेकिन आप लोग समझिएगा इसको, ठीक है। व्यंजनों के प्रकार के बारे में पूछते हैं कि कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, सर जी व्यंजन के प्रकार 3 होते हैं। प्रकार मतलब भेद, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे, अब नोट करने की बारी है, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, और एक होता है बच्चे ऊष्म व्यंजन। तो आपसे पूछा जाए कि व्यंजन जो 33 है, तो व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजन के आपसे जैसे ही प्रकार आपसे पूछता है, तो व्यंजन के प्रकार होते हैं 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन में जो 25 होती है ना, अब इसके बाद अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है बच्चे, 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन यहां पर आपको समझना है जो अंतस्थ व्यंजन है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा सर जी जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बड़ी ध्यान से समझो, आपसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या होती है, तो आप आंसर कर दोगे 4।
अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या होती है? तो चार। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है सबसे पहले अर्धस्वर, अर्धस्वर। दूसरा क्या होता है बच्चे? लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। तीसरा क्या होता है? पारसिक, पारसिक। तीसरा क्या होता है बच्चे? पारसिक व्यंजन। ठीक है, तो एक चीज आपको समझनी है बड़ी ध्यान से, बड़ी ध्यान से समझनी है भाई। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। चलो, तो व्यंजन 33 होते हैं, व्यंजन के प्रकार तीन होते हैं, व्यंजनों की संख्या 33, व्यंजनों के प्रकार तीन। ठीक है, अब व्यंजनों के प्रकार अगर तीन हैं तो तीन कौन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है बच्चे? 25 होती है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या चार होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्या चार होती है। अंतस्थ व्यंजन देखो 25, 4 4 8, 8 5 13 यानी 25 8 33 हो गया। लेकिन अंतस्थ व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, क्या भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चे? तीन भेद होते हैं, एक अर्धस्वर, एक लुंठित, एक पारसिक। तो अर्धस्वर में कौन कौन से आ जाते हैं स्वर? तो ये चीजें आपको सीखनी है। अर्धस्वर में आ जाएगा या और वा। या और वा कैसे हैं? अर्धस्वर हैं, यानी ये आधे स्वर के हैं, मतलब स्वरों के रूप में भी इनका प्रयोग, इन व्यंजनों का प्रयोग स्वरों के रूप में भी होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर आधे स्वर कहते हैं। क्लियर। लुंठित, लुंठित भैया कौन सा है? तो लुंठित है रा। लुंठित क्या है? रा। तो इसको लुंठित भी कहते हैं बच्चे, एक और इसको बोलते हैं, इसको लुंठित के साथ प्रकंपित भी बोलते हैं। रा को हम क्या बोलते हैं? प्रकंपित भी बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा, मैं एक बार और दोहराऊंगा। ठीक है, प्रकंपित भी बोलते हैं, लुंठित बोलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। हाँ, लुंठित के साथ इनको क्या बोलते हैं बच्चे? इसी को लुंठित के साथ ही इसको प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। प्रकंपित मतलब रा व्यंजन को बोलने में, जिस व्यंजन लुंठित होते क्या है, जिन व्यंजन को बोलने पर जीभ आपकी लुढ़क कर तालु में स्पर्श करे, लुढ़क कर तालु में अगर स्पर्श कर रही है तो उसे हम लुंठित कहते हैं। प्रकंपित का मतलब क्या है? जिन व्यंजन को बोलने पर एक से दो बार, दो से तीन बार आपकी जो जिह्वा है वो कंपन करे। ठीक है, अब रा जैसे बोलोगे तो आपकी जो जीभ है ना वो कंपन करेगी। आप बोल कर देख सकते हो, रा बोलोगे तो कई बार, दो तीन बार कंपन करेगी तब रा निकलता है। इसीलिए हम रा को, रा लिखा हुआ है ये बच्चे, रा है, रा को हम प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं, लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। लुढ़क कर जीभ क्या हो रही है? तालु को स्पर्श कर रही है, इसलिए रा को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित, रा को बोलने पर आपकी जीभ तीन चार बार कंपन करती है, इसलिए रा को प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। तो लुंठित प्रकंपित एक ही है और रा है। ठीक है, क्लियर। पारसिक बच्चे, पारसिक क्या कहते हैं? पारसिक बोलते हैं ला व्यंजन को। कौन सा है बच्चे? पारसिक है ला। इस प्रकार हम कहेंगे जो अंतस्थ व्यंजन है वो होते हैं या, रा, ला और वा। कौन से होते बच्चे? या, रा, लावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। देखो, या वा अर्धस्वर हो गए। ठीक है, उसके बाद लुंठित, लुंठित केवल रा हो गया जिसे हम प्रकंपित कहते हैं। पारसिक, पारसिक यानी ला है। ठीक है, पारसिक यानी क्या है? ला है। तो बात इतनी समझ में आ गई है कि नहीं आई है? तो आप जल्दी से एक बार कॉमेंट करके बताइए कि बात इतनी आपको समझ में आ गई है। जल्दी से बताइए भाई, तुरंत बताइए आप सभी। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, चलो, वेरी गुड। सभी को आ गया है बच्चे? ये अर्ध स्वर व्यंजन है, स्वर नहीं है, ये व्यंजन ही है या और वा, लेकिन इन्हें हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये स्वर नहीं है, ये अर्ध स्वर व्यंजन है। ठीक है, आधे स्वर दिखते हैं। क्लियर। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया। तो बच्चे आप ये समझ गए हैं, यहां पे इसको पारसिक को क्या करेंगे? ला। अब पारसिक की परिभाषा क्या है? मतलब जिन व्यंजन को बोलने पर
आपकी जो जिह्वा है उसके पार्श्व से हवा निकले, जिह्वा के अगल बगल से। पार्श्व पृष्ठ क्या होते हैं, जैसे ये है आपका ये माइक है, तो इसका पार्श्व ये है और इसका पार्श्व ये है। इसी के तरीके अगर जीभ होगी ना, तो पार्श्व क्षेत्र क्या होगा, किनारे वाला। आप जब भी ला बोलते हो ला, तो जो ऊष्मा है यानी जो वायु है, जो हवा है, वो आपके पार्श्व से निकलती है, जीभ के पार्श्व अगल बगल से हवा निकलती है, तो उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। यानी पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ला है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या क्या होती है, चार होती है। वो कौन सी है बच्चे, सा है, खा है, और सींटी वाली सा है, और यहीं पर क्या है, हा है। ठीक है, सा खा साहा। तो सा खा साहा मतलब ऊष्म व्यंजन उनको कहते हैं जिनको, जिनके उच्चारण में जो हवा है ना, हवा है क्या करे, संघर्ष करे, हवा संघर्ष करे, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हवा कहाँ संघर्ष करेगी, हवा जिह्वा से संघर्ष करती है। ऐसे कह सकते हैं कि ऊष्म व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में जो ऊष्मा है वो जीभ के साथ संघर्ष करे, लड़ाई करे। अब जैसे ही तुम सा बोलोगे, सा, तो एक जीभ के साथ प्रेशर लगेगा, हवा का प्रेशर लगेगा, तो ऊष्मा लग रही है ना, तो हवा को ऊष्मा कहते हैं। तो हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन यानी हवा के साथ जिह्वा की संघर्ष होगा, जिह्वा यानी जीभ का संघर्ष होगा। हवा निकलने की प्रयास करेगी और जीभ उसको रोकेगी। आप ऐसा महसूस करेंगे जब आप सा या खा या सा, सीटी वाली सा बोलो, सा, तो काफी प्रेशर बन रहा है, हवा भी निकलना चाह रही है और जीभ उसको रोकना भी चाह रही है, तो संघर्ष हो रहा है। तो साखा साहा क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। क्लियर, हाँ, वेरी गुड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो हमने कहा जो व्यंजन है, व्यंजन की संख्या तीन है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या चार है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन के भेद प्रकार कितने हैं, तीन हैं। कौन से, अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक। क्लियर, इतनी चीज अगर आपको क्लियर है। अब सर एक बार मैं ऐसी ओरल बता रहा हूँ, उसके बाद एक एक चीज, स्पर्श व्यंजन पर चलेंगे, अंतस्थ व्यंजन पर चलेंगे, ऊष्म व्यंजन पर चलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी आपको एक बार मैं पूरा व्यू दिखा दूं कि कैसे हो रहा है सब कुछ। तो ये 41 कैसे हो रहे हैं सर, 41 सर ऐसे हो रहे हैं कि इसमें स्पर्श व्यंजन जुड़े हुए हैं, स्पर्श व्यंजन भी जुड़े हैं, और इसी में बच्चे जो दूसरा है इसमें अंतस्थ व्यंजन भी जुड़े हैं, अंतस्थ व्यंजन भी जुड़े हैं बच्चे, और इसमें जो तीसरा है ऊष्म व्यंजन भी जुड़े हैं, इसमें ऊष्म व्यंजन भी जुड़े हैं, और इसमें बच्चे चौथा क्या जुड़ा है, चौथा इसमें संयुक्त व्यंजन भी जुड़े हैं, संयुक्त व्यंजन आपने सुना होगा, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। और अभी देख लेते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या, याद करो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, याद करो। स्पर्श व्यंजन, व्यंजन में अगर कुल व्यंजनों की बात करें तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक है, लेकिन अभी देख रहे हो 25, 25 चार 29, 29 चार 33, 33 चार 4 3 7 37, बचे कितने हैं, बचे हैं 37 के बाद 41 करने में 4 बचे हैं। अब यहीं पर बच्चे बताओ, यहीं पर बताओ द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन भी कितने होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, कितने होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, और इसमें आगत व्यंजन भी जोड़ते हैं, लेकिन आगत व्यंजन को हम लोग जोड़ते नहीं, क्योंकि आगत आए हुए व्यंजन है उनको हम नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें अयोग वाह जोड़ देते हैं, क्योंकि अयोग वाह हम स्वरों में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अयोग वाह न स्वर है न व्यंजन है, लेकिन हम जो अगर काउंट करने की स्थिति में, जोड़ने की स्थिति में देखें तो अयोग वाह को हम व्यंजनों में रख सकते हैं, तो हम अयोग वाह, अयोग वाह कितने हैं, 2 हैं। तो एक बार भैया काउंट करो इसको जरा, इतने को काउंट करो, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तक हो गए थे 39 और यहाँ तक 37 हुए थे, यहाँ तक कितने हुए 37, और 37 के बाद 4 जोड़े तो कितने हो गए 41। अगर आप अयोग वाह नहीं जोड़ रहे हैं तो आगत व्यंजन जिसमें नुक्ता लगी होती है नीचे, है ना, वो जोड़ सकते हैं आप। क्लियर, तो अब इस प्रकार से देख रहे हो कि कुल व्यंजनों की संख्या 41 है, और व्यंजनों की संख्या जो परीक्षा में पूछी जाती है तो आप 33 लगा देते हैं। वो कैसे लगा देते हैं, क्योंकि व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन, जो ये संयुक्त व्यंजन है ये व्यंजन का पार्ट नहीं माना जाता है, ठीक है, व्यंजन के भेद में नहीं आता है कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं वो भी जोड़ लें, नहीं, ठीक है। तो व्यंजन क्या है, व्यंजन संयुक्त व्यंजन क्यों नहीं पार्ट है, क्योंकि ये
दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, दो व्यंजन से मिलकर बनता है, संयुक्त व्यंजन हो जाता है। यानी आप जो व्यंजन पहले पढ़ चुके हो, जो इसमें थे, जो 33 व्यंजन से ही संयुक्त व्यंजन निकलता है, इसलिए हमको तीन व्यंजन किसके अंतर्गत रखते हैं, व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। बात इतनी क्लियर है? चलो, अब ये चीज अगर क्लियर हो गई तो अब स्पष्टता, हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। उसी में हम अयोगवाह के बारे में भी जानेंगे, और अयोगवाह नहीं, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, सबके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलो आओ। तो अब स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को अगर दूसरे नाम से बच्चे बुलाएं तो इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो आपसे चाहे वर्गीय व्यंजन कहे, चाहे स्पर्श व्यंजन कहे, आप कह दोगे सर जी स्पर्श व्यंजन ही पूछ रहे हैं। ठीक है, कहां से कहां तक होते हैं? तो आप एक हिंट ले लीजिए कि का से लेकर मा तक होते हैं। कहां तक होते हैं? का से लेकर मा तक होते हैं। संख्या क्या होती है? तो सर जी इनकी संख्या 25 होती है, 25 होती है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पर्श व्यंजन, जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं, वो वर्गों में बटे होते हैं। किसमें बटे होते हैं बच्चे? वर्गों में बटे होते हैं। वो वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो वर्ग होते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्पर्श व्यंजन हैं वो कितने वर्ग होते हैं, स्पर्श व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं? तो 5 वर्ग होते हैं। अब हम समझ गए, 5 वर्गों में 25 व्यंजन होते हैं, 5 वर्गों में 25 व्यंजन होते हैं। तो वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है का वर्ग, फिर का के बाद क्या हो जाएगा बच्चे? का के बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता, ये ता है, ता वर्ग, और पावर्ग। अब बहुत से बच्चों को ये याद करने में दिक्कत होती है, तो हम कहते नहीं है का को, एक का बच्चा है, उसको चट से मारो, उसको जैसे ही चट से मारोगे तो वो तप करने लगेगा, पूजा पाठ करने लगेगा, तप करने लगेगा, तपस्वी बन जाएगा। कब? जब उसे चट से मारोगे। ठीक है, तो याद हो जाएगा का के बाद चट तप, चट के बाद तप होगा। ठीक है, तो ये याद कर लो, कुछ बच्चों को नहीं याद होता है, ऑब्वियस सी बात है बड़ा आसान, ठीक है, लेकिन नहीं याद हो पाता है, तो उसके लिए हमने बता दिया है आपको। ठीक है, चलो, तो ये भैया ये हैं वर्ग, ये क्या हैं? 5 वर्ग हैं। तो आपसे पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 5 वर्गों में बटे हैं, जिनकी संख्या 25 है, जिनकी संख्या क्या है? 25 है। और इसी में द्विगुण व्यंजन भी ले लिए जाते हैं, लेकिन वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये याद रखना। ठीक है, जो का वर्ग है, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो का, खा, गा, घा, अंगा, याद रखना, का, खा, गा, घा, अंगा, याद तो करवाया गया होगा, लेकिन बहुत से बच्चों को तकलीफ होगी भाई, याद नहीं होगा। ठीक है, चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, टा वर्ग, टा, था, दा, धा, ना, सॉरी, ये ऊपर वाला नीचे वाला ता है। तो का, खा, गा, गंगा, चा, जा, जा, इया, टाठा डाढ़ा हो रहा भाई, टाठा, डा, ढा, अड़ा। इसमें बड़ा याद कर लेना आप लोग, टाठा, डाढ़ा, अड़ा। ता में हो जाएगा ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा,
और माँ। चलो चलो ये हो गया आपके सामने। देखो का खा गा घा अंगा, चा वर्ग में चा छा जा झा इया, टा वर्ग में टा ठा डा ढाणा, और ता वर्ग में ता था दा धा ना, पाफ भा पाफा पा भा बाभ पाफा 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 बाभा मा। ठीक है, तो ये हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम यहीं पर जानेंगे कि देखो पहले तो हमने अगर काउंट करना है तो काउंट करने के साथ साथ आपको पता चल रहा है कितने हैं, तो यहां पर आपको पूरे के पूरे 25 क्या दिख रहे हैं, 25 संख्या दिख रही है इनकी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा का वर्ग में कौन से हैं, तो का वर्ग में काखा गाघा अंगा है, चा वर्ग में चा छा जा झा इया है, टा वर्ग में टा ठा डा ढाड़ा है, और फिर ता वर्ग में ता था दा धा ना है। ठीक है, पा वर्ग में पा फा बा भा मा है। ठीक है, हाँ चलो चलो, तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद यहीं पर बच्चे इसी में ये जो यहां पर डा और ढा है, इन्हीं से दो वर्ण और निकले हैं, दो व्यंजन और लिखने हैं। जब डा में हमने क्या किया, इस डा में हमने नीचे क्या कर दी, बिंदी लगा दी, तोड़ा पढ़ा जा रहा है डा। ठीक है, ढा के नीचे भी बिंदी लगा दी तो क्या पढ़ा जा रहा है, रहा पढ़ा जा रहा है। ये जो दोनों वर्ण हैं ये संस्कृत में नहीं है, ये कहां है भैया, ये संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में क्या है, नहीं है, याद रखना इनको, संस्कृत में नहीं है। ये हिंदी में विकसित वर्ण हैं, हिंदी में ही विकसित वर्ण इनको कहते हैं, तो याद ये भी रखना, हिंदी में विकसित वर्ण हिंदी में विकसित वर्ण कौन से हैं, तो याद रखना हिंदी में विकसित वर्ण ये दो हैं। इनको हम कहते क्या हैं, तो इनके दो नाम हैं। एक तो इसका नाम, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। कौन सा व्यंजन, अभी हमने बताया था द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या क्या है, तो हम कह देंगे उच्छिप्त व्यंजन की संख्या सर दो है। अगर द्विगुण व्यंजन पूछते हैं तो द्विगुण व्यंजन की भी संख्या क्या है, दो है। इस प्रकार यहां पर आप 25 दो कितने हो जाएंगे, 27 व्यंजन आप यहां पर कंप्लीट कर चुके हो। पूरे 41 व्यंजनों के बारे में हमें जानना है, लेकिन व्यंजन 33 होते हैं, इतनी बात आपको पता है। ठीक है, तो यहीं पर एक चीज और देखेंगे, यहीं पर ये चीजें हो गई ना। अब इतने तो हम इस 25 स्पर्श व्यंजनों के बारे में जान चुके हैं, अब इसके आगे हम अल्प प्राण महाप्राण के बारे में जानते हो, फिर एक एक व्यंजन को हम ये भी देखेंगे कौन से अल्प प्राण हैं कौन से महाप्राण हैं, वो भी हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहीं पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं घोष की। घोष को ही हम क्या कहते हैं, घोष को ही हम सघोष कहते हैं। एक होता है बच्चे अघोष, एक क्या होता है अघोष होता है, और अघोष, अब घोष और सघोष क्या होता है, घोष का मतलब होता है नाद या गूंज कहते हैं घोष को, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगे, जिन जैसे कोई भी वर्ण है आपने उच्चारित किया, जैसे स्वर भी वर्ण माने जाते हैं, तो सारे स्वर कैसे होते हैं, सारे स्वर घोष या सघोष होते हैं। तो जितने भी स्वर हैं उनका आप अगर उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। आप यहां पर रख के उसको सुन सकते हैं, जैसे अगर आप का को बोल रहे हैं तो का बोल रहे हैं, तो यहां पर अगर गूंज हो रही है तो का क्या है, सघोष है, नहीं तो अघोष है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है, फिर इसके बाद हम देखते हैं घोष और सघोष में कैसे लेंगे, यानी इसमें अगर परिभाषा लिखनी है तो हम लिख देंगे जिन वर्णों, लिख लो परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगे उन वर्णों को सघोष या घोष कहते हैं। दोनों चीजें क्या हैं, सेम हैं, घोष कहते हैं।
तो एक चीज ये हो गई कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगे उन वर्णों को सघोष कहते हैं, और यहां पर इसके जस्ट अपोजिट परिभाषा होगी कि जहां पर कंपन होने लगे हैं ना वहां पर आप क्या कह देंगे, कंपन क्या है, नहीं हो। मतलब अघोष क्या कहते हैं, जहां पर स्वर तंत्रियों में कंपन क्या हो, कंपन ना हो। तो आप परिभाषा इसको बना के लिख सकते हो। तो हमने बस इतना बता दिया कि स्वर तंत्रियों में कंपन अगर नहीं हो रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में तो हम उसे अघोष कहेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है तो उसे घोष या सघोष कहेंगे। तो अब भैया कैसे, अब स्पर्श व्यंजन में हमें सघोष और अघोष पहचानना होगा, ठीक है। उसके पहले हम अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि सब एक साथ हम बताएंगे। अल्प प्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होते हैं, तो अल्प प्राण मैं लिख देता हूं और इसके अपोजिट सीधा महाप्राण हो जाएगा। यानी हम कहेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण में हवा या वायु, हवा मुख से, मुख से बहुत कम निकलती है, बहुत कम निकलती है, अल्प निकलती है, अल्प से क्या होता है, कम ही होता है, बहुत कम निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बहुत कम निकलती है, निकलती है बस, निकलती मात्र है, बहुत कम निकलती है, तो उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। और जस्ट इसका महाप्राण क्या होता है, उल्टा होता है। महाप्राण क्या होता है बच्चे, उल्टा होता है। यानी हम कह देंगे बस यहीं पर बहुत कम निकलती है, इसकी जगह क्या हो जाएगी, हवा मुख से, हवा मुख से, मुख से अधिक मात्रा में निकलती है, अधिक मात्रा में निकलती है, निकलती है, ठीक है। तो बच्चे दोनों चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब ऐसे कौन से व्यंजन हैं, कौन से ऐसे वर्ण हैं, बस उनको समझना है। तो प्रैक्टिकल के तौर पर हम समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे इसका, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप प्रैक्टिकल ना करें और बात को आप समझ जाएं, तो प्रैक्टिकल करके आपको देखना है। तो चलो आते हैं हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पर। तो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन हम वहां पर परिभाषा में भी इंडिकेट करेंगे, लेकिन यहां समझेंगे। तो चलो अभी सबसे पहले मुझे घोष और सघोष पहचानना है। क्या पहचानना है, घोष, सघोष और अघोष। हमने बताया है जब भी कंपन हो, जिन व्यंजनों को बोलने में कंपन हो तो सघोष है, कंपन अगर नहीं होगा तो अघोष है, अघोष है, ठीक है। चलो का बोला, ये पूरी लाइन आपको एक बार बोलनी है और उसी के साथ ही डिसाइड हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है। जैसे आपको ये एक उंगली अपने कहां रखनी है, यहां पर जो एक हड्डी दिखती है ना वहां पर रखनी है, ठीक है, ऐसे यहां रखनी है और उसके बाद बोलना है का खा गा घा अंगा, एक बार रख के आपको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है भैया, समझ लो। क्या करना है आपको, यहां जो इसको टेटुआ कहते हैं, ठीक है, तो यहां पर वो कहते नहीं है टेटुआ पकड़ लेते हैं, वही वाला चीज तुमको वहां पर एक उंगली रखनी है, ठीक है। और वहां पर उंगली रखने के बाद आपको क्या करना है, का खा गा घा अंगा ये चीज बोलनी है हड्डी पे रख के। तो जैसे ही आपने का खा तो बोला तो कंपन इतना महसूस नहीं हुआ, इतना कंपन नहीं महसूस हुआ। जैसे ही गा से स्टार्ट किया, गा घा अंगा, यहां से कंपन क्या हो गया, बहुत ज्यादा महसूस होने लगा। कहां से, यहां से। इन तीन व्यंजनों में कंपन क्या हो गया बच्चे, ज्यादा स्टार्ट हो गया। फिर से रख के देखो, एक बार फिर से रखो यहां पर। हमने फिर से कहा का, यही वाली लाइन आपको पढ़नी है, का खा गा घा अंगा, यहां से कंपन ज्यादा स्टार्ट हो रहा है। यानी का और खा में, का और खा में सर जी कंपन नहीं हुआ है, लेकिन कंपन यहां से स्टार्ट हो गया है। तो भैया पहले के, हम ऐसे कह सकते हैं का वर्ग के जो पांच वर्ग होते हैं ना, पांच पंक्तियां होती हैं का वर्ग में, पहली और दूसरी पंक्ति जो है, पहली और दूसरी पंक्ति में जो है वो क्या है, वो सघोष व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं, सघोष, क्योंकि इनमें इनमें कंपन नहीं हो रहा है। तो ये क्या है बच्चे, सघोष हैं, सघोष हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो हम इनको कह देंगे ये अघोष, सॉरी गलत हो गया, इसमें तो कंपन हो ही नहीं रहा है ना, इसमें कंपन नहीं हो रहा है, ये क्या है, तो ये अघोष हैं, अघोष, गलत नहीं करना बच्चे, आपको तो प्रैक्टिकल करके हमने बता दिया है। अब ये गा घा अंगा क्या है, गा घा अंगा क्या है, सघोष हैं, सघोष, ठीक है।
तो अब देखो फिर से, और यही चीजें सारी उसमें चलेंगी। चा छा बोला तो कंपन नहीं हुआ, रख के यहां देख सकते हो, जैसे ही आपने जा झा इया बोला तो यहां कंपन होने लगा, यहां कंपन होगा, यहां गूंज यानी वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन, ठीक है। टा ठा बोला इतना वाइब्रेशन नहीं हुआ गले में, लेकिन जैसे ही डा ढा ढा बोला वाइब्रेट होने लगा गला। तो हम कहेंगे ये जो पहले पहली में रखे हुए हैं, पहली और दूसरी पंक्ति में जो व्यंजन है, पहली और दूसरी पंक्ति में जो व्यंजन है, वो सारे के सारे बच्चे क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं बच्चे, अघोष हैं, अघोष हैं, ठीक है। अब बचे कौन से, अब बचे यहां पर ये, और ये सारे क्या हैं तीनों, ये सारे क्या हैं जो तीनों तीनों हैं, ये सारे के सारे बच्चे, ये सारे के सारे सघोष हैं, कंपन हो रहा है इनको, इनको बोलने में आपका गला वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे एक चीज तो जान गए सघोष, अघोष और सघोष के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन की अगर यहां पर बात करें, स्पर्श व्यंजन की अगर यहां पर बात करें, तो हम कह देंगे स्पर्श व्यंजन में जो, स्पर्श व्यंजन में लिख दो भैया, स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में सभी वर्गों में, सभी वर्गों की पहली व दूसरी पंक्ति के सभी व्यंजन, सभी व्यंजन क्या है, अघोष हैं, अघोष हैं, अघोष हैं। और यहीं पर हम कहेंगे तीसरी चौथी व पांचवी, तीसरी चौथी व पांचवी पंक्ति के व्यंजन, पांचवी पंक्ति के व्यंजन, के व्यंजन क्या है बच्चे, व्यंजन सघोष हैं। तो सघोष हैं, आपने ये चीज देख ली, ठीक है, ये चीज देख ली, तो ये चीज भी आपको याद करनी है। और इसमें आ जाओ तो इसमें अघोष हमने यहीं पर बता दिया, तीसरी चौथी व पांचवी पंक्ति के क्या है, आप यहां लिख दो तीन चार कमा पांचवी पंक्ति, व्यंजन क्या है, सग, लो इधर अघोष हमें लिखना था, सॉरी सघोष लिखना था, अघोष में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिएगा सघोष है, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख दिया, आप पढ़ लीजिएगा कि अघोष है, हमने घोष तरफ लिख दिया, लेकिन आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन में सभी वर्गों की पहली व दूसरी पंक्ति में जो है वो अघोष हैं, तीसरी चौथी और पांचवी के क्या है, सघोष हैं। तो सघोष इधर लिखा है, अघोष उधर लिखा है, आप सघोष लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलो, अब इसी के साथ, इसी के साथ हम देखते हैं यहीं पर स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में भी जानते हैं। अल्प प्राण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बहुत कम निकलती है उन्हें अल्प हवा निकली, अल्प प्राण है, ठीक है। महाप्राण हवा मुख से अधिक निकल रही है तो क्या है बच्चे, महाप्राण है। चलो देखो, अब फिर से क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है, फिर से आपको प्रैक्टिकल करना है। तो क्या करता हूं मैं, इसको, इस वाली चीज को मैं आगे लिख लेता हूं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। चलो देखो, यहां पर अल्प प्राण निकालना है मुझे, अल्प प्राण, अल्प प्राण व महाप्राण, महाप्राण के बारे में कैसे जानते हैं, देखो तो सारे हम लिख लेते हैं, का खा गा घा अंगा, ठीक है, ये का वर्ग हो गया, फिर चा छा जा झा इया, टा वर्ग, तो टा ठा डा टा ठा डा ढा ढा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा एक और दूसरे पर, ता था दा धा ना, पा फा बा भा और मा,
चलो अल्प प्राण और महाप्राण जानते हैं। अब देखो, अब आपको इस वाली लाइन से हम देखेंगे, इस वाली लाइन से हम चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना जो हाथ है ना वो मुंह के सामने लगाना है। अपना हाथ कहाँ लगाना है बच्चे, मुंह के सामने लगाना है। तो लगाओ, आप पहली लाली लाइन केवल पढ़ोगे, पहली वाली लाइन पढ़ोगे, ठीक है। का ऐसे लगाओ, का और खा, जैसे ही खा बोला तो हवा निकली, का में नहीं निकली, का खा गा बोला तो फिर हवा नहीं निकली, फिर जैसे ही घा बोला फिर हवा निकली। देखो, हमने का बोला एक बार का, फिर जैसे ही खा बोला खा, तो आपको हवा यहां पर प्रतीत होगी, श्योर है वो, कंफर्म है, ठीक है। तो का खा, और जैसे ही खा बोला तो यहां पर हवा निकली है। तो हम अगर महाप्राण, महाप्राण में हवा निकलती है, अल्प प्राण में हवा नहीं निकलती है। तो बच्चे ये क्या है, अल्प प्राण है, आ से अल्प प्राण, ये क्या है, हवा निकली है तो महाप्राण है। क्या है बच्चे, महाप्राण है। फिर हवा नहीं निकली, गा जैसे ही बोला फिर हवा नहीं निकली, निकलती है उतनी नहीं निकलती जो प्रेशर से निकलती है, ठीक है। यहां पर गा बोला फिर हमें हवा नहीं प्रतीत हुई तो आ है। फिर जैसे ही घा बोला, घा बोलो आप घा, और जैसे ही घा बोला तो फिर हवा निकली तो फिर मा निकला, ठीक है, और फिर उसके बाद आ, अंगा बोलेंगे तो फिर हवा नहीं निकली। यानी कि आप देखोगे कि जो पहली वाली पंक्ति है उसमें सारे के सारे जो व्यंजन हैं वो अल्प प्राण हैं। जो दूसरी वाली पंक्ति है, यानी दूसरा स्तंभ जो है उसको हम दूसरी वाली लाइन में माँ क्या है, महाप्राण है। दूसरी वाली लाइन के सभी व्यंजन कैसे हैं, महाप्राण हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तीसरी लाइन के अल्प प्राण हैं, चौथी लाइन के महाप्राण हैं, ठीक है, और पांचवी लाइन के बच्चे क्या हैं, पांचवी लाइन के भी अल्प प्राण हैं। अब अगर ऐसे भी आप करके नहीं देख पा रहे हो, वैसे आपके ऑप्शन में भी जैसे हमने दे दिया महाप्राण को छाटो, महाप्राण को छाटो चा, ठीक है, गा और डा और दे दिया छा, ये ऑप्शन दे दिए हमने, कहा इसमें कौन सा महाप्राण व्यंजन है। तो आपको तुरंत क्या करना है, तुरंत आपको हाथ कहाँ लगाना है, मुख के सामने लगाना है, और सारे जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनको पढ़ना है, जा गा डा और छा। और जैसे ही छा आपने पढ़ा तो छा में हवा निकली है, और किसी में जा बोला तो आपको हवा निकली है लेकिन उतनी हवा नहीं निकली है। तो जैसे ही आपने छा बोला तो आपको पता चल गया ये छा क्या है, ये महाप्राण है। ये क्या है बच्चे, महाप्राण है। क्लियर है, क्लियर है, आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बात क्लियर है बच्चे, चलो। तो इतनी बात अच्छा आपको समझ में आ गई है। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण छाटना हो गया, मतलब जिन व्यंजनों को बोलने में या जिन वर्णों को बोलने में मुख से हवा कम निकलती है अल्प प्राण कहलाते हैं, जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से हवा ज्यादा निकलती है महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर व्यंजन भी बता दिए है, कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है, आप छाट लोगे, सघोष अघोष के बारे में बता दिया है। तो अभी हमने क्या बात की थी, अभी हमने यहां पर जो स्पर्श व्यंजन बताए थे, स्पर्श व्यंजन के हमने क्या बताए थे, वर्ग बताए थे। अब वर्गों में ही हम ये देखेंगे कि का वर्ग वाले व्यंजनों को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो का वर्ग वाले व्यंजनों को अब नाम समझ लेते हैं, कौन कौन से नाम हैं। तो का खा गा घा जब भी बोलते हो तो जो वायु है वो कहां, अंदर से निकलती, कंठ से निकलती है। तो ये का वर्ग वाले सभी व्यंजनों को हम क्या कहते हैं बच्चे, कंठ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये का वर्ग वाले सभी व्यंजन का खा गा घा अंगा ये कहां से, कंठ से निकलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, का वर्ग के सभी व्यंजनों को हम कंठ व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो हम कहते हैं ना स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो पांच प्रकार के होते हैं, क्योंकि पांच वर्गों में बटे हैं। अब स्पर्श व्यंजन अगर पांच प्रकार के होते हैं तो पहला प्रकार है कंठ व्यंजन। अब चा जब भी चा छा जा झा इया बोलोगे तो जो आपकी जिह्वा है वो आपके तालु पे स्पर्श करती है। कहां पे स्पर्श करती है, तालु, तालु ऊपर वाली के ऊपर वाली जो सतह होती है उसको बोलते हैं, मुख में ऊपर वाली सतह को तालु बोलते हैं। तो जो चा वर्ग वाले जो हैं वो जिह्वा आपकी कहां स्पर्श करती है, तालु में, तो इसलिए हम इनको तालव्य व्यंजन कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो का वर्ग वाले को कंठ व्यंजन, चा वर्ग वाले को तालव्य व्यंजन कहते हैं। जब टा बोलते हैं, आप देखो जब भी टा ठा डा ढा बोलते हो तो
जो तालू होती है उसके पीछे की जो सतह होती है, तालू तो आगे की सतह है, उसके पीछे की, तालू के जब पीछे जाओगे अंदर तो वहां उसको मूर्धा कहते हैं, उस स्थान को हम मूर्धा कहते हैं। मुख के स्थानों की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे आप अगर एक चित्र बनाए तो यहां पर अगर चित्र ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो ये वाली जो नाल है ये यहां वाले क्षेत्र को हम मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं, जहां से जीव तुम्हारी क्या है, मुड़ी हुई है, ठीक, उसको मूर्धा कहते हैं। तो बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं, जहां पे कौआ है उसकी आसपास की जगह होती है। तो तालव्य, तालव्य व्यंजन हो गया। तो टा वर्ग मूर्धा, जब भी आप टा बोलते हो तो जीव आपकी उल्टी होके कहां स्पर्श करना चाहती है, मूर्धा में, तालू में नहीं स्पर्श करती। आप बोलो टा, ता जैसे ही बोलोगे तो आपकी जो जीव्या है वो मुड़ के कहां स्पर्श करना चाहती है, आपकी जो जीव्या है वो तालू के पीछे स्पर्श करना चाहती है, मूर्धा वाले स्थान पर। तो इसलिए हम टा वर्ग वाले को क्या कहते हैं, मूर्धन्य, क्योंकि मूर्धा में स्पर्श कर रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चे, मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे, मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। जब भी ठा बोलोगे तब भी ठा बोलने में आपकी जीभ तुरंत मुड़ के पीछे स्पर्श करना चाहेगी, उसका बहुत मन है कि जैसे ही आप ठा बोलोगे तो जीभ है वो पीछे जाके क्या है, स्पर्श करे, मूर्धा में स्पर्श करे जाके। जैसे ही आप डा बोलते हो, ढा बोलते हो, ढा बोलते हो, पूरी जीभ मुड़ के पीछे छूना चाहती है, मूर्धा वाले स्थान पर, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही आप ता बोलते हो तो ये का कंठ हो गया, तालव्य हो गया, ता। अब जब भी ता आप बोलो, ता बोलो तो जीभ दांतों के बिना आप नहीं छुए तो आप बोल ही नहीं सकते हो, ता था दा धा ना, आप बोल कर देखो। तो जैसे ही आप ता बोलते हो तो जीभ आपके दांतों को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे दंत्य, इसे क्या बोलते हैं, दंत्य व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, दंत्य व्यंजन बोलते हैं। जब आप पा वर्ग इस्तेमाल करते हो यानी पा फा बा भा मा बोलते हो तो ओठ आपके बिना ओठों को टच किए हुए आप नहीं बोल सकते हो। कभी बोलो पा बोलना है, ओठ आप ना टच करो, बोल के दिखाओ। अगर नहीं बोल पा रहे हो तो इसका मतलब है पा फा बा भा मा के लिए ओठों को होना जरूरी है। तो हम इसे क्या कहते हैं, ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। तो हम इस तरीके से भी एक चीज जान सकते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, कंठ्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन पांच वर्गों में बटे हैं, इसलिए पांच प्रकार हैं। संख्या की बात करें तो संख्या कितनी है, 25 है। क्लियर, कन्फर्म, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो ये चीजें भी आपकी कंफर्म हो गई हैं। अब आप समझ लीजिएगा, का वर्ग वाले व्यंजन को कंठ व्यंजन बोलते हैं, चा वर्ग वाले को तालव्य बोलते हैं, टा वर्ग वाले को मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं क्योंकि मूर्धा से निकलती है ये सारे व्यंजन, ता वर्ग वाले को दंत बोलते हैं, पा वर्ग वाले को ओष्ठ बोलते हैं। ये चीज हो गई कंप्लीट। अब आगे आते हैं हम लोग कहां पर, कुछ जो बचे हुए हैं, अब जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं उनके बारे में हम सीखते हैं, ठीक है। यहीं पर का के बारे में हम, का के बाद हम चलते हैं कहां पर, अंतस्थ व्यंजन के बाद, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम लोग सीख चुके हैं, अब अंतस्थ व्यंजन फिर से एक बार सीखते हैं, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, चार होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, चार होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, तो अगर संख्याओं की बात करेंगे, या, रा, ला और वा, ठीक है। अगर भेद की बात करेंगे तो अंतस्थ व्यंजन के भेद होते हैं तीन प्रकार, कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर हैं, अर्ध स्वर हैं। इनको हम दूसरे नाम से जाने तो अगर इनको ही हम क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन कहते हैं, और इन्हीं को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। और ये हालांकि मैं बता चुका हूं लेकिन मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब इसका मेन चीज बताने की ये है कि क्योंकि इनके उच्चारण स्थान कहां से हैं, ये सघोष हैं कि अघोष हैं। तो याद करो, ये जो सारे के सारे, ये जो लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे, आप या रा लावा बोलते हो तो हवा नहीं निकलती है, यानी कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो कैसे हैं, अल्प प्राण हैं। क्या है बच्चे, अल्प प्राण हैं। और जैसे ही या रा लावा बोलते हो आप तो यहां पर वाइब्रेशन होता है, गले में वाइब्रेशन होता है, इसलिए जो यारा लावा हैं, जो अंतस्थ व्यंजन है सारे के सारे, जो अंतस्थ व्यंजन है सारे के सारे, वो कैसे हैं बच्चे, सघोष हैं। कैसे हैं, सघोष हैं,
कैसे हैं बच्चे? सघोष हैं, यानी घोष हैं, इनको बोलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है। तो यारा लावा हो गया। अब बच्चे अर्धस्वर में हमने आपको बताया था अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है, दो होती है, वो कौन कौन से हैं? या और रा, ठीक है। ये लुंठित व्यंजन क्या है बच्चे? रा है। रा के बाद पार्श्विक व्यंजन कौन सा है बच्चे? ला है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि या क्या है, यह है अर्धस्वर, रा क्या है लुंठित है, ला पारसिक है, वा क्या है, वा क्या है बच्चे अर्धस्वर है, वा सॉरी या और वा, यारा नहीं, या और वा, ये क्या है अर्धस्वर हैं। अब यहीं पर इन्हीं का अर्धस्वर या और जो वा है ना, यहां पर एक चीज और लिख लो, या और वा को ही हम, या और वा को ही हम संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूं, फिर अभी एक बार मैं इस सब चीजों को बताऊंगा। संघर्षहीन व्यंजन अगर पूछें, जिन व्यंजनों को बोलने पर जीभ और हवा को संघर्ष ना करना पड़े, जीभ को हवा के साथ संघर्ष ना करना पड़े, तो वो व्यंजन कौन से हैं? या और वा है, ठीक है। इनमें हवा और जीभ का कोई ताल्लुकात ही नहीं है, या और वा आप बोल लेंगे, ठीक है। तो हम संघर्षहीन व्यंजन किसको कहते हैं? या और वा को कहते हैं। अब इसी में बच्चे ये देखना है, आपको क्या देखना है, आपको यहां पर देखना है कि इसका जो स्थान है ये तालु है, ये क्या है? तालु है, तालु से ये या बोला जाता है, ये मसूड़े से निकलता है, मसूड़े से, वर्सेस जिसे बोलते हैं मसूड़ा, ठीक है। ये भी आपका क्या है? मसूड़ा। और ये बच्चे जो ये वा बोला जाता है, ये बोला जाता है, इसको मसूड़ा भी कह सकते हैं, वर्स भी बोलते हैं, वर्स, ठीक है। तो वर्स नहीं, आप मसूड़ा याद करो, वर्स वहां पर अगर दिखेगा तो आप बोल लोगे, पूछेंगे रा का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आप मसूड़े से है, ठीक है। ला कहाँ से है, तो मसूड़े से है। मसूड़ा कहाँ होता है? दांत के जो पीछे का हिस्सा होता है वो मसूड़ा कहलाता है, ठीक है। जब रा बोलोगे तो मसूड़े के पास जीभ स्पर्श करेगी, ला बोलोगे तो मसूड़े के पास जीभ स्पर्श करेगी, वा जैसे ही बोलोगे तो ये दंतोष्ठ है, दंत और वोष्ठ, वा जैसे बोलोगे दंत का भी काम होगा, दंत में छुएगी स्पर्श, जीभ स्पर्श करेगी, और ओंठों का काम होगा, तो हम इसे कहते हैं दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ में रखेंगे वा को, दंतोष्ठ क्या है? वा है, दांत और ओंठ के साथ वा बोला जाएगा, क्लियर है। तो आप इनको भी देख लीजिए, या रा लावा। और एक चीज समझ लो, इन्हीं को बच्चे एक चीज हमने और बताई थी, जो ला है ना, ला क्या है? ला के बाद हमने रा को भी बताया था, रा क्या है? रा प्रकंपित भी है, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन भी है। बार बार मैं याद इसलिए करवा रहा हूं आपको रट जाए, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? हाँ जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब यहीं पर हम बात करेंगे, ये हो गए अंतस्थ या अंतस्थ व्यंजन हो गए, अब ऊष्म की बात करते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। तो ऊष्म व्यंजन को हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म व्यंजन को हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या क्या है बच्चे? इनकी संख्या है चार, इनकी संख्या क्या है? चार है। वो कौन कौन सी है? तो हम कहेंगे सरौता वाली सा, खटकोड़ वाली सा, सीटी वाली सा और हा, ठीक है। ऊष्म व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन में जो ऊपर के ये तीनों हैं, ये जो ऊपर के तीनों हैं, ये बच्चे कैसे हैं? तो हम कह देंगे ये हैं अघोष। क्या हैं? अघोष हैं। ये कैसे हैं? सारे व्यंजन अघोष हैं, ठीक है। याद करो ये कैसे व्यंजन हैं? अघोष हैं, यानी सा खा सा जब भी बोलेंगे तो यहां पर वाइब्रेट नहीं होगा। लेकिन इसमें बच्चे जो हा है ना, ये हा है, ये क्या ऐसा है? केवल हा की बात कर रहे हैं। आप हंसना कहते हो हास, हंस, हंस, तो हा जो है वो सा है, सघोष है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये हा क्या है? केवल हा सघोष है। हा कैसा है बच्चे? सघोष है। तो बात इतनी समझ में आ गई है, सा खा सा। अब अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो आप जो भी सा खा सा हा बोलते हो, तो सब में जब भी आप प्रैक्टिकल
तौर पर देखो तो शाखा सात जब व्यंजन का उच्चारण करते हो आप, तो आप मुख के आगे हाथ लगा लो तो क्या आ जाएगा भैया, हवा निकलेगी, अधिक मात्रा में निकलेगी। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे महाप्राण हैं। क्या है बच्चे, महाप्राण हैं। तो आपको बच्चे क्या किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, कभी शाखा दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये महाप्राण है कि अल्प प्राण है, तो आप तुरंत बता दोगे कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन सारे के सारे, भैया ऊष्म से ही समझ जाएंगे, ऊष्म यानी वायु है, वायु है, वायु के साथ संघर्ष हो रहा है, यानी वायु जहां अधिकता होती है उसे ही तो हम महाप्राण कहते हैं। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन सारे के सारे महाप्राण हैं। लेकिन अघोष और सघोष की बात होगी जब ऊष्म व्यंजन में, तो सा खासा ऊपर के तीन व्यंजन क्या है, अघोष है, बचा हुआ हा वो कैसा है, सघोष है। बचा हुआ हा वो कैसा है, हा वेरी गुड, वो कैसा है बच्चे, हा सघोष है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कन्फर्म है इतनी बात। चलो इनके स्थान जान लेते हैं। तो इनके स्थान की अगर हम बात करें तो ये जो सा है ये आपका कहां से निकला है, तालु, तालु, ठीक है। ये कहां से है, जो खटकोड़ वाली सा, मूर्धन्य से, इसको मूर्धन व्यंजन कहते हैं, मूर्धा से निकला है। अब ये शाक कहां से है, तो सा है दंत से, तो दंत इसके कहते हैं दंत, तो दंत है ये, दंत व्यंजन है, दंत, ठीक है। हा कहां से, हा कंठ से है, हा का उच्चारण स्थान कहां से, कंठ से है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंठ्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है, कंठ्य व्यंजन कहते हैं। तो बच्चे इतनी बात आपको और समझ में आ गई है। तो सा तालव्य व्यंजन है, तालु से इसका संपर्क है, खा का कहाँ से स्थान है, मूर्धन्य उच्चारण स्थान है, तो इसे मूर्धन व्यंजन कहते हैं, सा को हम दंत व्यंजन कहते हैं, हा को हम कंठ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है। तो सा खा साहा, ठीक है, कंफर्म हो गया ये। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, लाइक का बटन दबा दो भैया जल्दी से। अब इसके बाद बचे हैं आपके संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमने क्या बताई थी, चार थी। वो कौन कौन सी थी, तो आपको बताया था, एक था छत्री वाला छ, एक था त्र, एक था छत्र और ग्या, और एक था स्र, एक था स्र। तो ये छ जो है ये किससे बन रहा था, तो आपको बताया था ये का और, ठीक है, ये का और खटकोड़ वाली सा से बन रहा था, ठीक है। तो ये ता किससे बन रहा था, ये ता से बन रहा था, आधी ता से और राकेश, ठीक है। ग्या किससे बन रहा था, तो ये जा से बन रहा था और इया से बन रहा था, ठीक है। स्रा किससे बन रहा था, सीटी वाली सा से बन रहा था और प्लस रा से बन रहा था। तो ये भी याद रखोगे कि जो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है वो क्या है, चार है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन नए व्यंजन के तौर पर इनको माना जाता है, ये नए व्यंजन, इनको नए व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, नए व्यंजन। ये नए व्यंजन हैं जो व्यंजनों के संधि से बनते हैं, व्यंजनों के संधि से बनते हैं, जैसे का व्यंजन और सा, खटकोड़ वाली सा से छा बन गया। तो व्यंजनों की संधि से कौन से व्यंजन बनते हैं, संयुक्त व्यंजन, मतलब दो व्यंजन को संयुक्त कर देने से जो व्यंजनों का निर्माण होता है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बात कन्फर्म है इतनी, हाँ वेरी गुड। चलो तो इतनी बात और हो गई, तो संयुक्त व्यंजन भी हो गए हैं यहां पर। तो संयुक्त व्यंजन के बाद आ जाओ, अभी हम क्या बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं संघर्ष के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है संघर्ष, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। तो संघर्ष से हम जानेंगे क्या, एक तो होते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, एक होते हैं बच्चे, एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, एक होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, और एक होते हैं संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन।
देखो, संघर्ष के बारे में आपसे कभी भी प्रश्न पूछते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज क्या हो जाते हो? कंफ्यूज बच्चे ये हो जाते हो कि जो संघर्ष के मामले में तीन क्वेश्चन बनते हैं, एक तो स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं? जब आपकी जीभ तालू से टच कर जाए फिर हवा के साथ क्या हो? संघर्ष हो। जीव्या तालू के साथ स्पर्श कर जाए, जीव्या स्पर्श संघर्षी व्यंजन का मतलब मैं बता रहा हूं, जब जीव्या आपकी तालू के साथ स्पर्श कर जाए और फिर वायु के साथ क्या हो? संघर्ष हो, तो उसको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आपकी जैसे हम कह दें कौन से ऐसे व्यंजन हैं, तो आप कहोगे जो चा वर्ग में है ना सर, उसमें ऐसा होता है। जब भी चा बोलोगे तो हवा भी निकलने की कोशिश करेगी, हवा संघर्ष करेगी किसके साथ? जीव्या के साथ। लेकिन जीव्या टच कर जाएगी तालू में, बिल्कुल चा चपक के जीव्या कहाँ जाती है? तालू में चिपक जाती है जाके चा, और हवा भी निकलने की कोशिश करती है, आप देखो करके। तो हम ये कहते हैं जो चा वर्ग में व्यंजन हैं कौन कौन से हैं, इस पर संघर्षी व्यंजन में कौन कौन से आ जाएंगे? चा, ठीक है, छा, जा और झा, ठीक है। तो चा छा जा झा ये कैसे हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। चा छा जा झा, ठीक है, इनका संघर्ष हो रहा है, बात कंफर्म है। और इसी में बच्चे अगर ऊष्म संघर्षी की बात करें तो अब क्या करेंगे, जो जीव्या है वो तालू में स्पर्श नहीं करती है, जीव्या जो है वो तालू में स्पर्श नहीं करती है। जैसे ही आप उच्चारण करोगे किसका, शा का, शा, जब भी सा बोलोगे सा, तो सा में जीभ तुम्हारी तालू में टच नहीं करेगी, हवा उसके बीच से संघर्ष करते हुए प्रेशर दे रही है, ठीक है, दबाव दे रही है जीभ को, ठीक है। तब हम कहते हैं वो कौन से ऊष्म संघर्षी व्यंजन आपको बताया है, बस आपको यहां पर अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, सा खा सरौता वाली सा और हा, ठीक है, साखा साहा ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये चार जो है ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। संघर्षहीन व्यंजन क्या है? वही जो बच्चे अर्ध स्वर हैं, जो क्या है, अर्ध स्वर हैं, अर्ध स्वर हैं। और अर्ध स्वर कौन से हैं? या और वाह, आप इसको भी याद रखोगे, बहुत बार पूछा जाता है, काफी ट्रेंड में रहते हैं संघर्ष वाले क्वेश्चन। संघर्षहीन व्यंजन कौन से हैं? या और वाह है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? साखा साहा है, ठीक है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है? चा छा जा झा है, ठीक है, चा छा जा झा है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलेगी बच्चे। अनुज कश्यप बिल्कुल चलेगी, जीएस की क्लास चलेगी। क्या हुआ यसिता? बच्चे जल्दी से बताओ यसिता क्या हुआ? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो अभी हम यहां पर क्या पढ़ रहे थे, अभी हम यहां पर संघर्ष वाला मैटर पढ़ रहे थे। संघर्ष पे स्पर्श संघर्षी व्यंजन आएगा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन आ जाएगा, संघर्षहीन व्यंजन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हमने लगभग लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है, अब कुछ बचा नहीं है। यहां पर जो बचा है वो सारी की सारी चीजें हमने यहां पर आपको बता दी है, क्या अल्प प्राण होते हैं, क्या महाप्राण होते हैं, ठीक है, सारी चीजें हमने कवर करवा दी है, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहां पर एक संघर्षहीन आया है ना, ये संघर्षहीन शब्द आया है, तो जो सभी स्वर होते हैं, संघर्षहीन अगर स्वर कहें, संघर्षहीन क्या करें, स्वर पूछें, तो हम कह देंगे सारे स्वर कैसे होते हैं, संघर्षहीन होते हैं, संघर्षहीन होते हैं, उनमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है, बिना संघर्ष के हवा और जीभ का संघर्ष नहीं होगा उन, तो उसमें स्वर होते हैं। तो स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर संघर्षहीन होते हैं, और इनको भी तो अर्ध स्वर कहते हैं, इसीलिए या और वा भी क्या है, संघर्षहीन व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, चलो। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारी चीजें, फिर से हम आपको बता देते हैं, फटाफट देख लीजिए एक बार, ज्यादा कुछ नहीं है। हमने पढ़ा था स्वर, उसके बाद पढ़ा था कि स्वरों की संख्या 11 थी, व्यंजन 41, कुल व्यंजन कितने हैं, 41 हैं, ठीक है। कुल वर्ण कितने थे, 52 थे। अगर व्यंजन परंपरागत रूप से परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाए तो व्यंजन 33 होते हैं, जिसमें कौन कौन होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25, चार क्या होते हैं, चार अंतस्थ होते हैं और चार ऊष्म होते हैं। इस प्रकार जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजन के तीन प्रकार होते हैं। हमने आगे सीखा है व्यंजन जो 33 थे वो तीन प्रकार में बटे हुए थे, कौन से, स्पर्श अंतस्थ ऊष्म, जो जिनकी संख्या आपके नीचे लिखी हुई है। अंतस्थ व्यंजन के तीन प्रकार होते हैं, पार्श्विक,
अर्धसर और लुंठित, ये आपको बताया था। यहां पर आपको 41 व्यंजन हमने गिना दिए थे, कैसे 41 हुए थे, ठीक है। इसके बाद स्पर्श व्यंजन का हम जब हमने वर्गीकरण किया है, तो यहां पर स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में डिवाइड किए हैं, जिसमें 25 व्यंजन आपके थे, संख्याओं में 25 व्यंजन थे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में 25 व्यंजन आपके यहां पर समाहित थे, ठीक है। और अगर बात करें, अगर का वर्ग को हम कहते क्या है, का वर्ग का जो भी व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान कंठ का होता है, इसीलिए इसे हम कंठ्य व्यंजन बोलते हैं। चा वर्ग में जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, जीभ तालु में टच करती, इसलिए इसे तालव्य कहते हैं। टा वर्ग में टा ठा डा ढाड़ा है, इसलिए इसे टा वर्ग में रखा गया है, क्योंकि ये मूर्धा से व्यंजन निकलते हैं, इसलिए मूर्धन्य कहते हैं। पा वर्ग फिर ता वर्ग है, ता वर्ग दंत से निकलते हैं, पा वर्ग ओष्ठ से निकलते हैं, इसे ओष्ठ व्यंजन के नाम से जानते हैं। यहां पर डा और ढा से, जो संस्कृत में डा और ढा था, लेकिन डा और ढा का डा और ढा ये हिंदी में विकसित शब्द हैं, संस्कृत में नहीं थे, हिंदी में विकसित हैं। इन्हें हम क्या, द्विगुण व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, हिंदी में विकसित वर्ण के नाम से भी जानते हैं, कि हिंदी में कौन से नए वर्ण ऐसे हैं जो विकसित हुए हैं। तो बात इतनी और समझ में आ गई। उसके बाद हमने बताया है कि घोष और अघोष के बारे में बताया दिया था। घोष ऐसे अगर नॉर्मली जाना जाए तो हम कहेंगे जिन व्यंजनों को बोलने पर गला वाइब्रेट होता है, ऐसे समझ लो, गला वाइब्रेट होता है, या कह देंगे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष कहते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें हम अघोष कहते हैं। तो सघोष और अघोष जानने के बाद हम स्पर्श व्यंजन पर फिर चले थे। हमने देखा था का और खा को जब बोल रहे थे तो कंपन नहीं हो रहा था, यानी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में जो व्यंजन है वो सारे के सारे अघोष हैं, और बाद के तीसरी चौथी पांचवी में जो व्यंजन रखे गए थे वो सारे के सारे सघोष थे, क्योंकि इन व्यंजनों को बोलने में कंपन हो रहा था गले में, गा घा गंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे तीन आगे के क्या थे, सघोष थे। इसके बाद हमने यहां पर महाप्राण के बारे में बताया था कि अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बहुत कम निकलती है, हवा मुख से क्या होती है, बहुत कम निकलती है, हवा मुख से बहुत कम यानी अल्प निकलती है, तो अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं या अल्पप्राण वर्ण होते हैं। महाप्राण वर्ण कौन से हैं? अच्छा एक चीज यहां पर और समझ लो, एक चीज और समझ लो, यही अल्प प्राण में ही सारे जो स्वर हैं, सारे स्वर जो सारे स्वर हैं वो कैसे हैं, सभी स्वर, स्वर के बारे में बात करें तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण, यानी आ आ ई ई ऊ ऊ, ये क्या है, जब भी आ ई ई ऊ बोलोगे तो उसमें हवा नहीं निकलेगी, कम हवा निकलेगी, इसलिए सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण हवा मुख से अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने अल्प प्राण व महाप्राण स्पर्श व्यंजनों में विवेचना की थी, देखा था कौन से अल्प प्राण है कौन से महाप्राण है। तो हमने जैसे ही का बोला तो हवा नहीं निकली, और जैसे ही का के बाद हमने खा बोला, खा में बोलते ही हमें हवा बहुत ज्यादा प्रतीत हुई, इसलिए हमें आ मा आ मा आ, और एक सॉन्ग भी सुना होगा, कभी डाउट हो जाए, ठीक है, तो हम वाला सॉन्ग सुने हैं ना, आ मा आ तुझे दिल ने पुकारा, तो आ मा आ पहले है ना, आ मा आ, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही क्रम से रख देंगे, आ के बाद मा आया, मा के बाद आया, लेकिन शुरुआत गाने की कैसे, आ मा आ तुझे दिल ने पुकारा, ठीक है, तो आ मा आ फिर मा आ फिर, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो ये तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो, कभी भी ऑप्शन में जैसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो आप प्रैक्टिकल के तौर पर देख सकते हो, कभी आपको ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी कि याद करना पड़े आपको, ठीक है। इसके बाद बच्चे आ गए थे अंतस्थ व्यंजन पर, तो अंतस्थ व्यंजन हमने बताया था तीन थे, और ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ पहले भी, और इसमें हाँ स्थान के बारे में बताया था, और अंतस्थ व्यंजन सारे के सारे, सारे के सारे कैसे होते हैं, सारे के सारे होते हैं बच्चे अल्प प्राण। अंतस्थ व्यंजन सारे के सारे कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन सारे के सारे कैसे होते हैं? सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। सारे स्वर भी आपके सघोष होते हैं, स्वर की बात करें जो आ आ ई ई ऊ हैं वो भी सारे सघोष होते हैं, ठीक है। अच्छा ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन शाखा सा है, जिसे ऊष्म संघर्षी, संघर्ष व्यंजन के बारे में बताया तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। आगे चलो, हाँ एक व्यंजन और हम समझ लेते हैं यहीं पर, द्वित्व व्यंजन भी बहुत पूछा जाता है, द्वित्व वर्ण, द्वित्व भी कहते हैं इसे, और कहीं कहीं पर इसे द्वितीय भी कहते हैं, द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन में जो व्यंजन होते हैं, एक पूरा व्यंजन एक आधा व्यंजन जुड़ा होता है, पूरा व्यंजन, पूरा द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, जब जहां पर पूरा व्यंजन के साथ, पूरे व्यंजन के साथ आधा व्यंजन जुड़ा हो, आधा व्यंजन, आधा व्यंजन वही जुड़ा हो, आधा व्यंजन जुड़ा हो तो उसे हम बच्चे क्या कहते हैं, उसे हम द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं बच्चा, बच्चा,
ये आधा और पूरा व्यंजन वही सेम है ना। तो बच्चा क्या है, बच्चा में द्वित व्यंजन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे हम बात करें दिल्ली, किसकी बात करें, दिल्ली, तो दिल्ली में ला और आधा ला, दिल्ली कैसा है, दिल्ली में द्वित्व व्यंजन प्रयोग किया गया है। बात करें हम किसकी, बात करें लस्सी, लस्सी, लस्सी में क्या है, आप पूरा सा आधा सा, तो लस्सी में क्या है, द्वित्व व्यंजन प्रयोग किया गया है, कंप्लीट। तो द्वित्व व्यंजन को भी आप जान गए होंगे, जैसे बहुत से ऐसी चीजें होती हैं, रस्सा कह दें, लस्सी है, जैसे रस्सी भी कह सकते हैं, रस्सा, रस्सा होता नहीं जिसे बांधा जाता है, रस्सा, रस्सा, रस्सी का पुल्लिंग है रस्सा, ठीक है। तो रस्सा हो रस्सी हो, उसमें भी द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है, आप आपसे पूछा जाता है, काफी पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। तो बच्चे इतनी चीजें हो गई हैं, तो एक बार जल्दी से बता दो कि हाँ, लाइक जिसने नहीं किया है वो लाइक का बटन दबा देगा, ठीक है, लाइक का बटन दबा देगा। तो चलो ये आज के लिए हो गया है, तो आपका एक लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहीं से, ठीक है। अगर सभी ने अच्छे से पढ़ा है तो यहां पर आप बताएंगे संघर्षहीन व्यंजन कितने हैं और कौन से हैं, और कौन से हैं। उम्मीद करते हैं सारी बात आपको रट गई होंगी क्योंकि काफी धीरे पढ़ाया है। तो संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन आपको बताने हैं कि संघर्षहीन व्यंजन कितने हैं और कौन से हैं, ये बताना है। ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। तो इसका आंसर आपको कहां पर देना है, आपको पता है कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पर देना है बच्चे, कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ जो दूसरा कमेंट करना है वो आपको बताना है कि क्लास कैसी लगी है, क्लास कैसी रही, क्लास कैसी रही, ठीक है, क्लास कैसी रही। और इसी के साथ ये भी बच्चे बताना है कि क्लास कैसी रही और आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हिंदी के क्लास से, हिंदी के कक्षाओं से, जिसमें हमने 3 वीडियो में केवल वर्णमाला पढ़ ली है, बस वर्णमाला। आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा और जिसको जो भी डाउट हो, कल आपका क्या होगा, अभ्यास होगा। जिसको 3 क्लास से उसने पढ़ी है, तो कल अभ्यास में आप रहें क्या, तैयार रहें, अभ्यास में रहें तैयार। और कौन किसने कितने अटेम्प्ट किए हैं वो भी आपको बताना है, वो भी आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो अभ्यास में रहे तैयार कल, और क्लास कैसी रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, कमेंट करके ही बताना है, कमेंट से ही बताना है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना है। और रही बात यहां पर, सभी को लव यू, एक प्यारा सा हमारा दिल भी है ये, जिसमें तीर भी लगा हुआ है, ठीक है। चलो इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो आप ये चीज ना भूलिएगा, अगर आप हिंदी के क्लास कंटिन्यू चाहते हैं और अच्छे से हिंदी को कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ भी ना छूटे, ठीक है। तो क्लासेस धीरे धीरे तो चलेंगे, लेकिन सब कुछ हम जानेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये हमारा वादा है आपसे। तो कमेंट बॉक्स में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बता रहा हूं। जिम्मेदारियां क्या है, आपके यहां पर कमेंट नहीं करना है कि संघर्षहीन व्यंजन क्या है, आपकी जिम्मेदारियां है कि होमवर्क जो है कमेंट बॉक्स में देना है, और क्लास कैसी रही, प्रॉफिट हो रहा है, वो भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो श्योर इतनी चीजें आप करेंगे और बताएंगे जरूर कि कैसे क्या आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।